पूजा ए पूजा, अरे कहाँ हो महारानी? अभी आई माँ जी। हाँ माँ जी, बोलो क्या हुआ? हाँ? अरे बहू, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ, मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है माँ जी, अभी लेके आती हूँ। अरे भगवान, ये ब्रेकफास्ट क्या होता है? मुझे तो पता भी नहीं है, और चिंटू के पापा भी यहाँ नहीं है, जो मैं उनसे पूछूं, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। पूजा ए पूजा, अरे काम चोरनी कहीं की किचन में जाकर बैठ गई क्या? अरे माँ जी वो, अरे महारानी अब वो क्या लगा रखा है, और तू खाली हाथ कैसे आ गई? मेरा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लाई? मुझे पता नहीं है ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं। oh, no. एक बार बता दो, मैं अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी, जो हमारे पढ़े लिखे परिवार में ऐसी अनपढ़ बहू आई है। माँ जी, वो तो आपको पहले देखना चाहिए था ना। मेरे माँ बाप ने आपके बेटे से मेरी शादी को जोर जबरदस्ती से तो नहीं कराई थी। एक तो अनपढ़, ऊपर से कुछ बोलो तो कैंची की तरह जबान चलाती है। अरे चली जा यहाँ से, नवार कहीं की, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। कहाँ जाऊँ माँ जी, शादी के बाद तो हर लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कमीनी, मेरी छाती पर मूंग मत दल, और मर जा कहीं जाके। अरे माँ जी, माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपके घर का सारा काम काज समय समय पर करती हूँ, और फिर आपकी खूब सेवा भी करती हूँ, और आप कुछ भी बोलती रहो, लेकिन मैं सामने जवाब नहीं देती हूँ। अरे बदतमीज लड़की, अब मुझसे फालतू की बकवास मत कर, और चली जा यहाँ से, वरना तेरी चोटी पकड़ के तुझे गंदे नाले में फेंक दूंगी। और तू भी कान खोल के सुन ले बुढ़िया, मैं भी कब से मांगी मांगी किए जा रही हूँ। मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। अब एक और शब्द बोला तो मैं भी तेरा गला दबाकर यही सारा खेल खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजे की बांसुरी। मेरे बिल्ली को ले जाओ 500 में। सॉरी बिल्ली को नहीं, साले को ले जाओ 500 में। सॉरी मेरा फटा हुआ चड्डी ले जाओ 500 में।